अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे अल्फा अकाउंट को किस तरह से बनाया जा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। पर उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, क्यों साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अल्फा अकाउंट को किस तरह से बनाएंगे। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि प्रोमो कोड अल्फा अकाउंट का किस तरह से मिलता है। आपने करना क्या है, तो फेसबुक पे चले जाना है, वहाँ पर लिखना है अल्फा बैंक, तो आपको हर प्रोमो कोड का न्यू अपडेट आती रहती है, तो आपने वहाँ से जाके पता कर लेना। अगर आपको पता नहीं चले तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अल्फा अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने करना क्या है, अल्फ़ा ऐप को ओपन कर लेना है। तो आपने करना क्या है, तो आपने न्यू अकाउंट अल्फ़ा पे क्लिक कर, तो आपने न्यू टू अल्फ़ा बैंक पर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पर जो कि अल्फ़ा कोड जो कि वो इंटर करना होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप फेसबुक से पता कर सकते हैं। करने के बाद तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद अल्फ़ा के ऑप्शन पर, तो आपने यहाँ पर प्रोसाइड्स पर जो कि आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का जो कि इंटरफेस होगा, तो आपने यहाँ पर, तो आपने फर्स्ट नंबर पर अपना शनाख्त कार्ड और दूसरे नंबर पर अपने शनाख्त कार्ड की डेट, और आपने तीसरे नंबर पर अपना फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद तीन निशान हो गए तो आई एग्री, तो आप तीन निशानों पर आपने क्लिक करके प्रोसाइड पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप प्रोसाइड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि इंटरफेस शो होगा। जो आपने फ़ोन नंबर दिया होगा तो उस पर आपके 6 नंबर का OTP आएगा, तो आपने वो यहाँ से डिटेल में जो कि कोड को सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आपने कोई भी पासवर्ड रख देना है चार नंबर का। तो आप यहाँ पर पासवर्ड जो कि कन्फर्म, जो कि ऊपर आपने पिन कोड लिखना है। पिन कोड लिखने के बाद नीचे आपने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपने सेलेक्ट करने के बाद, तो आपने वो चार नंबर का जो OTP कोड होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद तो आपने प्रोसाइड पर नीचे आपको दिख रहा होगा, तो आपने उस पर जो कि क्लिक कर देना है। तो आप प्रोसाइड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो अपना शनाख्त कार्ड नंबर, डेट, फ़ोन नंबर, तो सब कुछ डिटेल आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपने अपना मदर नेम दे देना है। मदर नेम देने के बाद अपना फादर नेम दे देना है। फादर नेम देने के बाद तो अपने जो भी कोई भी आपका शहर है उसकी आपने नाम और लोकेशन, जो नाम और लोकेशन जो कि आपने लगा देनी है, पुट कर देनी है। पुट करने के बाद तो आपने प्रोसाइड पर क्लिक कर देना है। तो आप प्रोसाइड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो कुछ इस तरह का जो कि इंटरफेस होगा। तो आपने यहाँ पर कोई भी दो पिक जो कि इमेज है वो आपने अपलोड करनी है। तो जिस तरह से दोस्तों जो कि मैंने दो इमेज अपलोड कर दी हैं, अपलोड करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि इंटरफेस होगा, जो कि आपका जो कि न्यू अकाउंट जो कि ये, तो इस तरह से आएगा। तो आपने अपना जो कि आपका जो कि अकाउंट कुछ इस तरह का जो कि ऑप्शन शो होगा, जो कि आपने जो OTP कोड लगाया होगा अल्फा का, उसमें जो कि 100 रुपये बैलेंस है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि इंटरफेस होगा। इंटरफेस शो होने के बाद जो कि आपका अकाउंट जो कि अल्फा का अकाउंट को आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद तो आपने जो आपने कन्फर्म पासवर्ड रखा होगा, तो आपने पासवर्ड रखने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि इंटरफेस शो होगा, जो कि नेट स्लो है थोड़ा सा। तो जिस तरह से दोस्तों आपने करना क्या, इन तीनों में से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना, तो आपका जो अकाउंट जो कि लॉगिंग हो जाएगा, तो आपके पास जो कि 100 रुपये का बैलेंस है नज़र आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों जो कि हमारा अल्फा का अकाउंट है जो कि वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी स्टेप की समझ ना लगी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।